नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, IPL 2021 का मिनी ऑक्शन 11 फरवरी को हो सकता है और BCCI ने 21 जनवरी की डेडलाइन सभी फ्रेंचाइजियों को दे दी है ताकि वो अपने अपने रिलीज और रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट को सबमिट कर सके। और दोस्तों, बहुत जल्द हमें एक और IPL शुरू होता हुआ नजर आएगा जहां पर दोस्तों हमारी फेवरेट टीम्स के खिलाड़ी खेलते हुए नजर आने वाले हैं। और दोस्तों, BCCI ने अभी तक IPL का वेन्यू जो है वो डिसाइड नहीं किया है कि IPL इंडिया में होगा या फिर UAE में। ये दोनों ऑप्शन जो है वो खुले हुए हैं। अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है और BCCI पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। और दोस्तों, ये डिसीजन आने वाली गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में होगा, जिसकी अपडेट जो है दोस्तों हम आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऑक्शन के लिए सभी टीम्स के पर्स में बचे हुए बैलेंस की, यानी कि सब किस टीम के पास कितना रोकड़ा बचा हुआ है अभी ऑक्शन के लिए, वो जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि ये सारी जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, तो आप भी हमारी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हो। वीडियो को दबा के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑक्शन में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए आपके पर्स में पैसे होने काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि अभी टीम्स ने अपने अपने रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट जारी नहीं करी है, तो इसी वजह से अभी हम देखते हैं कि किस टीम के पर्स में फिलहाल कितना अमाउंट बचा हुआ है, यानी कि कौन सी टीम कितने पानी में है और कितना बाहर है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की। दोस्तों, इनकी टीम की अगर बात की जाए तो इनके पास ऐसा कोई स्लॉट नहीं है जो कि खाली हो, मतलब कि ये टीम सर्वगुण संपन्न है और इस टीम को कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तभी ये टीम जो है वो 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है और इनको अपने स्क्वाड में ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए पर्स में कितने पैसे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बात करें कि इनके पर्स में अभी कितने पैसे हैं, तो दोस्तों इनके पास अभी भी 1.95 करोड़ रुपए बचे हुए हैं अपने पर्स में, जिसका यूज ये ऑक्शन में करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स की। तो दोस्तों बात की जाए रॉयल्स की, तो दोस्तों इनके पर्स में अभी 15.25 करोड़ यानी कि 14.75 करोड़ रुपए मौजूद हैं। और दोस्तों देखा जाए तो इनकी टीम भी ऑलमोस्ट परफेक्ट है, बस इनको अपने प्लान्स को सही से एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि दोस्तों इनके पास टीम धांसू है जिसमें बटलर, स्मिथ, सैमसन, स्टोक्स, आर्चर, तेवतिया जैसे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन बावजूद इसके टीम नंबर 8 पर फिनिश हुई थी 2020 में, लेकिन उसका कारण दोस्तों ये नहीं था। उसका कारण था एक तो स्टीव स्मिथ की कप्तानी और गलत डिसीजंस, यानी कि उन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए, ऐसी प्लेइंग 11 खिलाई और प्लेइंग 11 का जो ऑर्डर भी था वो भी लगातार बदलता रहा था। तो इसी वजह से ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम लास्ट रही थी। वहीं पर दोस्तों बात करें दिल्ली कैपिटल्स के पर्स की, तो इनके पास अभी 9 करोड़ रुपए मौजूद हैं। और दोस्तों ये टीम मुंबई इंडियंस के बाद में दूसरी सबसे सेट टीम है, मतलब कि सर्वगुण संपन्न। इनके पिटारे में भी वो सारे तीर मौजूद हैं जो IPL ट्रॉफी जीतने के लिए काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों ये टीम भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगी, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को ये टीम रिलीज करेगी, जिसकी वीडियो आगे आने वाली है। वहीं पर दोस्तों बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो दोस्तों इस टीम को ऑक्शन में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इस टीम ने प्लेऑफ में ज़रूर क्वालिफाई किया था, लेकिन फिर भी मिडल ऑर्डर में अभी भी इनके पास में फायर पावर मौजूद नहीं है। इसके अलावा गेंदबाजी में विकल्प और ढूंढने होंगे जो कि बैकअप हों। और इस टीम के पास पर्स में 10.1 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। वहीं पर दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो दोस्तों इस टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने टीम को रीबिल्ड करने की, यानी कि ये टीम सबसे ज़्यादा पानी में है। और दोस्तों इस वजह से ये टीम कुछ बड़े बड़े बदलाव करती हुई नजर आएगी, जहां पर काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है वो हमें बाहर होते हुए नजर आ सकते हैं। और दोस्तों उसका रीज़न है इनका पर्स। इनके पर्स में दोस्तों केवल 15 लाख रुपए मौजूद हैं। और दोस्तों इसी वजह से ये टीम कम से कम 7 से 8 खिलाड़ियों को रिलीज़ करेगी और काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी रिलीज़ करेगी। तो दोस्तों CSK के संभावना बन रही है कि ये काफ़ी खिलाड़ियों को रिलीज़ करेगी, जो कि दोस्तों इनके स्वभाव के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये टीम ज़्यादा बदलाव नहीं करती ऑक्शन में, लेकिन इस बार इनको बदलाव करने पड़ेंगे क्योंकि फंस चुकी है टीम। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो इनके पर्स में दोस्तों अभी 6.4 करोड़ रुपए बचे हुए हैं। और दोस्तों ये टीम भी कुछ बड़े बड़े नामों जैसे कि फिंच, मॉरिस, मोइन, उमेश, इन जैसे खिलाड़ियों को रिलीज़ करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि दोस्तों टीम में काफ़ी कमियां हैं जिनको पूरा करने के लिए पर्स में पैसे चाहिए होंगे, और इसीलिए टीम काफ़ी बदलाव जो है वो करेगी और खिलाड़ी जो है वो रिलीज़ होंगे। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं KKR की, तो दोस्तों इनके पर्स में अभी 8.5 करोड़ रुपए बचे हुए हैं और ये टीम भी ऑक्शन में कुछ बड़े बड़े नाम जो है वो बाहर करती हुई नज़र आ सकती है, ताकि इनके पास थोड़े से पैसे हो खिलाड़ी खरीदने के लिए।
वहीं पर दोस्तों अंत में बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। तो दोस्तों ये टीम का हाल भी राजस्थान रॉयल्स के जैसे ही है, क्योंकि टीम में खिलाड़ी अच्छे अच्छे हैं, धांसु प्लेयर्स हैं, लेकिन प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं और मैच जो है वो टीम हार रही है। और दूसरा रीज़न है गेंदबाजी की वजह से भी टीम हार रही है। तो इसी वजह से इनके खाते में अभी, लेकिन इनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि इनके खाते में सबसे ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, यानी कि 16.5 करोड़, यानी कि 16.5 करोड़ रुपए इनके पर्स में भी बचे हुए हैं। और आमचोर ये टीम जो है वो इस साल तगड़ी टीम खड़ी करने वाली है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों पर ये बोली लगाने वाली है इस टीम। और ऊपर से दोस्तों इनके खिलाड़ी जो है वो फॉर्म में आ चुके हैं, तो इसी वजह से टीम जो है वो, पंजाब की टीम जो है वो 2021 में काफ़ी भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये थी सभी 8 टीम्स के पर्स बैलेंस की लिस्ट, और अब जैसे ही दोस्तों टीम प्लेयर्स को रिलीज करेगी तो एक और लिस्ट जारी होगी जिसमें ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों उसकी वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप केवल सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। धन्यवाद।